संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, आरएसएस के समर्थक भी हैं, उसकी विचारधारा को फॉलो करते हैं। संगीत रागी जी यहां पर बैठे हुए तमाम अजीज खान साहब, मैं आ रही हूं आपके पास। तमाम मेहमानों का एक सुर से यही कहना है कि खाली वोट बैंक की राजनीति करना जानती है बीजेपी, और कुर्सी बचाए रखने के लिए वो कुछ भी करेगी। संगीत रागी जी, देखिए, हर कोई अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहा है, लेकिन एक बात देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये कोई ऐसे ही नहीं है। उसमें कोई हिंदू और मुस्लिम तो है नहीं, लेकिन एक चीज तो बहुत साफ है, और जो एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप चाहे जितना कर लें, लेकिन मुसलमानों के नाम मुस्लिम समाज को संतुष्टि किसी दुनिया के किसी भी जगह पर नहीं होती है। मुझे एक नेहरू का पत्र याद आता है जो गांधी जी को उन्होंने लिखा था कि जिन्ना के जितनी भी डिमांड मांगते हैं वो सुरसा की तरह रोज हमेशा वो बढ़ जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर इस देश का समाज, हिंदू समाज क्या करे जिससे मुस्लिम प्रसन्न हो। क्या भारत के अंदर ऐसी बात है जो मुसलमानों को हिंदू इलाकों में घर नहीं दिया जाता है? दुनिया के हर हिस्से में ये चीजें लागू है, जो मुसलमानों को अपनी जगहों पर अपने इलाके में घर देने में संकोच करते हैं, क्योंकि किसी के माथे पर यह नहीं लिखा हुआ है कि बगल वाला आदमी जो है वो टेररिस्ट है। इस्लामिक टेररिज्म जो है वो दुनिया की एक हकीकत हो गई है। अब जब हम ऐसे में जानते हैं कि आदमी कौन टेररिस्ट है, कौन नॉन टेररिस्ट है, हमें तो पता नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पे पता जब लगता है, इस प्रकार की चीजें जब पर्याप्त मात्रा में दिखती हैं, तो एक तो कारण यह है कि लोग अपनी घरों को मुसलमानों को नहीं देना चाहते हैं। एक दूसरी बात, भारत विभाजन के पश्चात एक दरार तो जरूर खड़ी हुई है, और वो अभी भी हिंदुओं को ये खटकता है, इतिहास को लेकर के भी खटकता है कि जो मुगलों और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने जो हिंदू मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं के साथ जघन्य अपराध किए, हत्याएं की, क्रूरता किया, बलात्कार किया, उन सुल्तानों के साथ आज भी मुस्लिम समाज का एक वर्ग, मैं बार बार कह रहा हूं, सारा मुस्लिम समाज नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी बिल्कुल नहीं, एक वर्ग ऐसा है जो अभी भी ये मान करके चलता है कि वही मेरे पूर्वज थे, और मैं मान करके चलता हूं कि जो पहले का कायर हिंदू था, जो लोभवश या कायरता वश मुसलमान बन गया, और वही मुस्लिम समाज का आज के दिन में वो समझते हैं कि वही जो हमारे सुल्तान थे, वही हमारे पूर्वज थे, वही उनके प्रेरणा। यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं, पसमांदा समाज के मुसलमानों को साथ में साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और अगर साथ में साधने की कोशिश कर रही है तो आप लोगों की जुबान से कम उसी तरह की वाणी निकलनी चाहिए ना, इस तरह की भाषा पे आपको लग रहा है कि मुसलमान आएगा आपके साथ? देखिए, मैंने कहा कि दो प्रकार के मुसलमान हैं, एक जो इस भारत की मिट्टी से प्यार करते हैं वो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे, लेकिन वो मुसलमान जिनके लिए सुल्तान, औरंगजेब, बाबर और ये सब जो है वो उन्हें वही उनके पुरखे हैं, और उनकी सारी घृणित काम और उनकी सारी करतूतें जो है जिनके ये वारिस बनते हैं, उनको तो आप चाहे कुछ भी कर दीजिए वो कोई अंतर ही नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जो कुछ भी कर ले, अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई कम काम थोड़े किया था। सबसे पहले माइनॉरिटीज के एजुकेशन और मदरसा रिफॉर्म्स के लिए क्या नहीं किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने? क्या मुसलमानों ने अटल बिहारी वाजपेयी को उस समय के 2004 में भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया था क्या? नहीं किया था, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने इन मुसलमानों के अंदर इतना घृणा का बीज हिंदुओं के खिलाफ बो दिया है, ठीक है, कि उस मानसिकता से बाहर ही नहीं निकलते। तो उस मानसिकता से बाहर निकालने की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, कि सबका साथ, सबका विकास और विश्वास का अगर भरोसा दिया जा रहा है, हिंदुस्तान के ही नागरिक है ना, तो उनको साथ में चलने को लेकर उनके घाव पर मह आप कह रहे हैं एक तरफा प्यार नहीं हो सकता है। मुफ्ती मजाहत काजमी साहब के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, मैं उनसे सवाल ले लेती हूँ। हिंदू बहुत चला है, हाँ, मुसलमान चलने के लिए तैयार ही नहीं होता। मजाहत काजमी साहब, आपको अगर सवाल सुनाई दिया हो, संगीत रागी का ये कहना है कि एक तरफा प्यार कैसे हो सकता है, हिंदू बार बार साथ में लेकर चलने की बात करता है लेकिन मुसलमान साथ में आने को तैयार नहीं है, खासतौर से बीजेपी को लेकर। देखिए, जहां
जहां तक मेरी अपनी राय है कि मुसलमान प्रधानमंत्री जी को पसंद भी करता है और प्रधानमंत्री जी की जो बात है मुस्लिमों को लेकर के वो ये प्रैक्टिकली भी रही है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मुसलमानों ने वोट की हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत नहीं की, ये तो सब जानते हैं, लेकिन जो पसमानदा मुसलमान है उसका प्रधानमंत्री जी ने बगैर वोट के लालच के, बगैर सियासत करे हुए उसको हिस्सेदारी देने की कोशिश की है। मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। कांग्रेस के दौर में जो फसादात हुए उसमें मुरादाबाद और मुरादाबाद का हुनर, भागलपुर, हाशिमपुरा, मलियाना, 50,000 फसादात हुए और वो सब मुसलमान और हिंदू और पूरे देश को झेलना पड़ा और जहां जहां फसादात हुए वहां वहां के हुनर भी खत्म हुए। प्रधानमंत्री जी ने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से कहा कि आप जो है मुसलमानों का हुनर सामने लाइए। तो चित्रा जी आपने देखा होगा कि पूरे देश में जगह जगह माइनॉरिटी के लिए हुनर हाट लगाया गया और उसका हजारों सैकड़ों करोड़ का बजट था ताकि मुसलमान अपना हुनर सामने ला सके। बिल्कुल। दूसरी बात जो है जम्मू कश्मीर से गुलाम अली साहब, जो बिल्कुल एक गैर मारूफ नाम था, गुलाम अली साहब जो गुजर समाज, जो वहां पहाड़ों में ट्राइबल है, जो वहां बेघर रहता है, जिसके पास आज आधार कार्ड जैसी सहूलतें अब आने लगी हैं, ये सच्चर कमेटी की बात करने वाले, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की बात करने वाले लोग, इनसे पूछिए कि रंगनाथ बनाने वाले भी आप और 50 साल का सरकार का चिट्ठा भी तो आपका था कांग्रेसियों कि आपने बर्बाद जिस तरह किया है देश को और देश की जनता को। दरअसल प्रधानमंत्री जी जिस चीज में विश्वास करते हैं कि देश जब बढ़ेगा तब देशवासी बढ़ेंगे, तो उसी चीज की हिस्सेदारी है पसमानदा को हिस्सेदारी। गुलाम अली खटाना एक गुजर समाज से आते हैं, गुजर समाज की जम्मू कश्मीर में क्या हालत है वो सब जानते हैं जी। दानिश आजाद जो है उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाए गए वो अंसारी समाज से आते हैं। मैं समझता हूं अगर मुसलमान इस बात में विश्वास नहीं करता कि ये पसमानदा है, ये अशरफ है, ये अफजल है, ये आला है, तो इस सारी दरगाहों पे इनका कब्जा क्यों है? सारे मदरसों पे, मरकज पे, जमीयत पे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे, किसका कब्जा है? पसमानदा मुसलमानों को वहां ये दीन में आ गया भाई, कहीं तो लाए दुनिया में, किसका कब्जा है? आज की बातें ये हो रही है ना चित्रा जी, मुझे कहने दीजिए आप, मुझे प्लीज एक बात कहनी। नहीं नहीं, ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ बस अपनी समझ के लिए। आप कह रहे हैं कि कब्जा है, किसका कब्जा है भाई? अशरफ लोगों का कब्जा है, जो ऊंची जातियां हैं मुसलमानों का कब्जा है, चंद खानदानों का कब्जा है, बस ठीक है, ऊंची जातियां हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ प्लीज, अभी जो कॉलोनियों की बात आ रही थी कि कॉलोनियों में जगह नहीं मिलती, अरे भाई अपने गिरबान में क्यों नहीं झांकते हो आप? तो बरेलियों की मस्जिद में देवबंदी नहीं घुस सकता, देवबंदी की मस्जिद में बरेलवी, भाई ये मस्जिदों के अल्लाह के घरों की लड़ाइयां तो पहले खत्म कर लो। ये काफिर है, वो मुसलमान है, ये हक पर है, ये ना हक पर है। प्रधानमंत्री जी की बात का हम खैर मकदम करते हैं। उन्होंने समाज को, देखो कांग्रेस को ख्याल रखना चाहिए कि वोट लेकर गद्दारी की है, समाजवादी ने वोट लेकर गद्दारी की है, प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी ने वोट लेकर और ना लेकर इससे कोई चीज उनका ताल्लुक नहीं है। वोट लिया है नहीं लिया है राजनीति की कोई बात नहीं, हिस्सेदारी की बात हो रही है और पसमानदा समाज बहुत बड़ी तादाद में शुक्रगुजार है और उनको अब आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। मैं समझता हूं ये दीनदार लोग जो अपने आप को कहते हैं दरगाह वाले, खानकाह वाले, मदरसे वाले, ये भी पसमानदा मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ने देंगे।